मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दो दिन की नवजात को मरने के लिए नाले के पाइप में फेंक दिया गया। फेंकने वाले को उम्मीद थी कि एक या दो घंटे में नवजात दम तोड़ देगी, लेकिन यहां मौत पर जिंदगी हावी रही और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वहां से गुजर रही मीनाक्षी नाम की महिला नवजात के लिए फरिश्ता बनकर आई, जिसने देखते ही नवजात बच्चे को नाले के पाइप से बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। तब तक मझोला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को थाने ले जाकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मासूम बच्ची को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में बच्ची का उपचार चल रहा है। वहीं घटना के तीसरे दिन आज दोपहर जिला महिला अस्पताल पहुंचे बाल कल्याण समिति के सदस्य हरिमोहन गुप्ता और बबीता विश्नोई ने मासूम बच्ची का हालचाल जाना। इस दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य हरिमोहन गुप्ता ने बताया कि अब बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अभी तक मासूम के माता पिता का कुछ पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि अगर दो माह में इसके माता पिता की जानकारी मिल जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद बच्ची को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। तब तक बाल कल्याण विभाग के शिशु गृह में बच्ची की देखभाल की जाएगी। वहीं दो माह के बाद लीगल फ्री कर बच्ची को एडॉप्ट के लिए दे दिया जाएगा। आज हम जिला अस्पताल महिला वार्ड में आए थे, यहाँ परसों हमें एक बच्ची मिली थी जो दो तीन दिन की है। वो मिली थी हमें रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे रात को शुक्रवार के दिन। उसका स्वास्थ्य का हाल चाल जानने के लिए हम आए थे, और इस बच्ची को अगर कोई पहचानता हो और कोई जानता हो जो इसके ओरिजिनल माँ बाप हैं, वो इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इसके दो महीने के अंतर्गत अगर कोई नहीं आता है तो हम इस बच्ची को लीगल फ्री करके एडॉप्शन के लिए भेज देंगे। अच्छा, किस कंडीशन में मिली थी बच्ची? बच्ची एक पाइप में मिली थी। एक मीनाक्षी नाम की महिला थी जो जॉब से वापस घर जा रही थी, उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने बच्चे को उठा लिया और पुलिस को सूचना दी। फिर उसके बाद पुलिस ने हमसे संपर्क किया और हमने इसे रेस्क्यू करके और महिला था इसमें महिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। किस तरह की कंडीशन है अब? बच्ची स्वस्थ है और चंचल भी है, अच्छी है। इससे मैं डॉक्टर से हमने पूछा बच्चे क्या स्वस्थ है। अच्छा, इस संबंध में कोई एफआईआर वगैरह? अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है ना किसी ने कराई है।